हेलो, वेलकम टू टेक एंड टूल इंजीनियर्स। ये वीडियो खास उन लोगों के लिए है जो मकीता टूल लवर हैं, या फिर मकीता के टूल्स जो कॉर्डलेस रेंज है उसकी वो काफ़ी इस्तेमाल करते हैं अपने वर्क पर्पस के लिए और DIY के लिए। ये आप एक टूल केस देख रहे हैं, इसका पर्पस जो इसमें बैटरी लगती है उसको लेकर के ये वीडियो बनाया गया है। मैं आपको बताता हूँ कि इसमें जो बैटरी है ये मकीता की 5 एम्पेयर आवर की जेन्युइन बैटरी है जो कि टूल के साथ आती है। और ये जो बैटरी है जिसका हमने जो केस है वो बाय किया है किसी दूसरी वेबसाइट से, जो जेन्युइन मकीता की नहीं है, लेकिन टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में, क्वालिटी में और अपीयरेंस में किसी भी तरह से मकीता से कम नहीं है। अगर आप दोनों का कंपैरिजन देखते हैं तो ये उससे बड़ी बैटरी है, क्योंकि इसमें 18 वोल्ट की बैटरी के लिए 5 सेल सीरीज में और 5 पैरेलल में जोड़े गए हैं, और इसके अंदर जो है 5 5 5 यानी कि 15 सेल, 3 सेल पैरेलल में जोड़ के 15 सेल्स की सीरीज बनाई गई है, जिससे कि इसकी हाइट में आपको फ़र्क लग रहा होगा, वेट में फ़र्क लग रहा होगा और थोड़ा सा ये बल्कि ज़्यादा है, अदरवाइज ऑलमोस्ट काफ़ी सिमिलैरिटी है दोनों में, क्वालिटी में, फिनिश में। कोई टेक्निकल आदमी देख के ही इसे बता सकता है कि कौन सी फेक है और कौन सी फेक नहीं कह सकते, ये थर्ड पार्टी द्वारा बनाई गई चीज़ है। और इसमें अगर आप देखेंगे तो नीचे इसमें 4 होल दिए गए हैं, जैसा कि ओरिजिनल बैटरी में दिए गए थे। ये इसलिए होते हैं कि इसके अंदर की जो ह्यूमिडिटी है वो बाहर निकाल सके और बैटरी को एक लंबे टाइम तक सेफ्टी के साथ इंटैक्ट रख सके, क्योंकि मॉइस्चर जो होगा इसकी PCB को ख़राब कर सकता है। इस बैटरी के अंदर अगर हम ये देखते हैं कि ये जो बैटरी है 5 एम्पेयर आर की, इसके बाद मकीता में अवेलेबल है 6 एम्पेयर आर की, और ये जो हमने बनाई है इस पे बेशक 9 एम्पेयर आर लिखा हुआ है, लेकिन इसके अंदर जो है 2600 mAh यानी कि 2.6 AH के 3 सेल पैरेलल में है, तो टेक्निकली ये 7.8 AH की बैटरी हो जाती है, जो कि मकीता में मैक्सिमम 6 AH की अवेलेबल है। तो इस बैटरी को बनाने का फ़ायदा ये है कि ये इसका जो रन टाइम है वो ऑलमोस्ट इससे 1.5 टाइम ज़्यादा बढ़ जाता है, स्पेशली जो लोग ग्राइंडर में यूज़ करते हैं उसके लिए ये बहुत अच्छा एक ऑप्शन है कि जेन्युइन बैटरी की जगह पे आप ये रिप्लेसमेंट बैटरी भी यूज़ कर सकते हैं। ये इसका जो केसिंग है और इसका जो अंदर का PCB है वो काफ़ी साइट्स पे अवेलेबल है। इसकी जो कॉस्ट है और जो इसकी कॉस्ट है इसको लेकर के मैं आपको बताता हूँ कि कितना इसमें डिफरेंस है। अभी हम देखेंगे इसका डिफरेंस। ये अगर आप देख पा रहे हैं तो ये industrybuy.com की साइट है जो 5 एम्पेयर आर की बैटरी है। इसका जो प्राइस है 10,990 है, तो अगर 6 AH का हो तो करीब 12,000 है, और ये जैसे 7.8 AH की बैटरी है तो इसका प्राइस जो है उस हिसाब से अगर मकीता इसको बनाता है तो इसका प्राइस अराउंड 15,000 के आसपास होगा, जो कि काफ़ी कॉस्टली है। तो इधर एक एक अच्छा तरीका है जिससे कि हम ये बैटरी को बना सकते हैं। सेल्स जो इसके हैं वो अवेलेबल है इंडिया मार्केट में, आप कहीं से भी ले सकते हैं, सैमसंग के ले सकते हैं, LG के ले सकते हैं, और भी कई ब्रांड्स के अवेलेबल हैं, और ये सेल्स आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो सेल्स ऑर्डर करने के लिए अगर आप जैसे ये देखते हैं कि बैटरी का प्राइस 10,990 है, और अमेजोन पे भी अगर आप देखते हैं तो इसका जो प्राइस है वो 9,799 है 5 एम्पेयर आर का। और जो लोग जानते हैं अली एक्सप्रेस पे इसका जो सेल है वो अवेलेबल है, इस सेल के साथ में इसका PCB भी अवेलेबल है, इंडिकेटर और सारे पार्ट्स इसके अवेलेबल हैं। और ये जो
सारी केसिंग वगैरह है ये सिर्फ 2109 रुपए की है, जिसके अंदर अगर आप सेल डालते हैं तो 15 और आप 10 नंबर्स ऑफ सेल्स इसमें इंसर्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। लेकिन जो लोग अली एक्सप्रेस से यूज़ टू है उन्हें मालूम होगा कि ये आजकल ये इंडिया में शिप नहीं कर पा रहे हैं, या आप देखेंगे तो दिस प्रोडक्ट कांट बी शिप टू योर एड्रेस, सेलेक्ट अनदर प्रोडक्ट और एड्रेस। तो अब अली एक्सप्रेस से हम मंगा नहीं सकते हैं। तो जिन लोगों को मालूम होगा कि कुछ लोग जो अली एक्सप्रेस के वेंडर हैं जो चाइनाज़ में अपना ये सब बनाते हैं, वो एक दूसरी वेबसाइट है ebay.com, उस पर भी रजिस्टर्ड हो चुके हैं, और उस साइट से अगर हम ऑर्डर करते हैं तो मटेरियल सीधा हमारा चाइना से इंडिया में आ जाता है, और बहुत अच्छे जो है शिपिंग कॉस्ट में आ रहा है। कुछ लोगों ने तो शिपिंग कॉस्ट इंक्लूड की है, ये जो मैंने बताया है आप देख सकते हैं कि ये बैटरी सेल मैंने चाइना से ऑर्डर किया था 1 अप्रैल को, तो ये मेरे को 12.27 प्लस शिपिंग 9.98 13.25 है, अराउंड 1150 या 1200 रुपये में मुझे ये पड़ा था इंक्लूडिंग शिपिंग कॉस्ट। और ये जिस रूट से आया था, मेरे को इंडिया में इनका एक कोई डीलर है जो ये इंपोर्ट करा के और ये फर्दर आपके एड्रेस पे शिप करता है ब्लू डार्ट के थ्रू, और ये सारा कुछ मिला के मुझे करीब 1200 रुपये का कॉस्ट किया था, प्लस सेल्स जो है वो मैंने अलग से लिए थे। और उससे आप क्या कर सकते हैं कि सेल को आप, हम आगे देखेंगे इस वीडियो में कि किस तरह से उसको सेल को चेक करके उसमें इंसर्ट किया गया है, स्पॉट वेल्डिंग की गई है, और ये जो टूल है ये वर्किंग हुआ है, किसी भी आप जो मकीता के टूल्स रेंज है आप उसमें डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमने जो टूल है ये हमारा एयर ब्लोअर टूल है मकीता DS, ये नया लॉन्च टूल है इंडिया में, इससे पहले ये अवेलेबल नहीं था, कुछ ही दिन पहले आया है। इसको अगर हम 5Ah बैटरी के साथ में हम चला के देखते हैं, काफ़ी अच्छा ये परफॉर्म करता है। अगर आप साउंड वाइज इसकी आवाज़ सुन पा रहे हैं तो इसको अब हम दोबारा से 8Ah या 9Ah की बैटरी के साथ में हम इसको चलाएंगे जो हमने बनाई है, जिसको हम आगे वीडियो में दिखाएंगे। तो RPM से पता नहीं लग रहा है, लेकिन इसमें जो दूसरे टूल है, ड्रिल है या टॉर्क ड्राइवर है, उससे अगर हम देखेंगे, किसी डायनो टेस्ट अगर हम करते हैं तो डेफिनेटली इस पे जो है ज़्यादा एम्पेयर आर के बैटरी पे हमें ज़्यादा टॉर्क देखने को मिलता है। तो इस बैटरी को कैसे बनाया है, चलिए शुरू करते हैं हम अपना वीडियो आगे कि इसको कैसे बनाया जाता है। ये हम सैमसंग के सेल्स हैं 18650 और 26J, सैमसंग के 2.6 एम्पेयर के सेल हैं। इसमें हमें मेन डिटेक्ट करना है कि इसका जो बैलेंसिंग है सारे सेम वोल्टेज के होने चाहिए, या आप देख रहे हैं 3.571 आलमोस्ट इसी रेंज के ये 15 सेल्स हैं, क्योंकि बैलेंसिंग इसमें बहुत ज़रूरी है किसी भी बैटरी बनाने के लिए। तो हम इसको वोल्टेज से डिफ़ाइन कर लेंगे कि हमें सभी सेल में सेम वोल्टेज मिले, और अगर नहीं मिलती तो इसको हम इंडिविजुअली चार्ज कर सकते हैं टू मेंटेन अ सिमिलर वोल्टेज ऑन ईच सेल्स। 15 सेल्स हैं, सब एक ही वोल्टेज के इसमें होने चाहिए, ये एक मैंडेटरी और कंपलसरी। ये आप देख रहे हैं कि हमने इसे इंपोर्ट पैकेज हमको मिल गया है, ये ब्लू डार्ट से हमको रिसीव हुआ है, और ये हांगकांग चाइना चाइना के थ्रू हांगकांग से होता हुआ हमारे पास आया है, कस्टम क्लियरेंस है इसका, और ये येनविन मेल कंपनी है चाइनीज़ जिसके थ्रू हमें ये मिला है। चलिए इसको ओपन करते हैं और देखते हैं इसके अंदर हमें क्या क्या पार्ट्स साथ में मिलते हैं, इसके कोई पार्ट इसका मिस तो नहीं है, क्योंकि छोटे छोटे पार्ट्स स्क्रू वगैरह कई बार मिस हो जाते हैं, तो वो हमें थोड़ा सा इसको देखना पड़ेगा कि कोई इसमें पार्ट्स मिस तो नहीं है। ये एक अंदर दूसरे पैकेट के अंदर एनक्लोज़र में आया है, इसको ओपन करके हम लोग देख सकेंगे कि इसके अंदर
कौन कौन से पार्ट हैं, स्टिकर हैं और स्प्रिंग्स हैं और कई और चीज़ें हैं जो उसके बनाने के लिए ज़रूरी हैं, अवेलेबल हैं या नहीं। क्योंकि ये सीधा चाइना से आया है, हो सकता है इसे कस्टम वालों में इंडिया ने भी खोल के देखा हो या हो सकता है कि नहीं भी देखा हो, लेकिन हमारे पास ये काफ़ी इंटैक्ट पोजीशन में दिख रहा है। और जो हमने मंगाया है ये 1890 यानी कि 9H का केस मंगाया है, जिसके अंदर 15 सेल्स इसमें डाल सकते हैं। पॉलीथीन में ये रैप है, मॉइस्चर वगैरह से ये प्रोटेक्ट है, काफ़ी ठीक कंडीशन में लग रहा है, कोई इसमें ब्रेकेज वगैरह दिखाई नहीं दे रही है। हाँ, इसका जो शेल है काफ़ी अच्छी पोजीशन में है, कोई इसमें क्रैक कोई डैमेज किसी तरह का नहीं दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छी चाइनीज़ डाई से ये डाई कास्ट किया हुआ मटेरियल, आप देख सकते हैं इनके जो स्टैंप लगी है डाई कास्ट की, ये इसका पीसीबी है और काफ़ी अच्छे तरीके से और काफ़ी सिक्योर तरीके से ही हमें मिला है। ये इसका बटन है बैटरी की चार्जिंग स्टेटस को चेक करने के लिए, और ये इसके इंटरनल शेल्स के अंदर ये होस्टर हैं जिसमें हम शेल्स लगाएंगे, साथ में कुछ स्टिकर्स वगैरह इन्होंने दिए हैं जिसको हम बैक साइड पे, इस पर 9H बैटरी लिखा है लेकिन कोड 1830 ये गलत लिख दिया है इन्होंने, या हो सकता है जानबूझ के लिखा हो, 1890 होना चाहिए था क्योंकि 9H की ये बैटरी है। ये साइड स्टिकर्स हैं और इसके अंदर से जो केस के अंदर से निकला है ये पॉजिटिव प्लेट है, और इसके अंदर कई सेट्स इसमें अवेलेबल हैं, दो एक साइड पे लगते हैं, दो एक साइड पे लगते हैं और दो प्लेट्स लगती हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए। चलिए इसको चेक करते हैं कि इसके अंदर सारे स्क्रूज़ वगैरह अवेलेबल हैं या नहीं, क्योंकि दो छोटे स्क्रूज़ इसके पीसीबी को होल्ड करने के लिए लगते हैं, चार स्क्रूज़ को ब्रैकेट जो इसमें सेल फंसाए जाते हैं उसमें लगते हैं। ये इसकी प्लेट्स हैं, चार प्लेट्स होनी चाहिए, ये दो लेफ्ट में दो राइट में, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, ये चार प्लेट इसके अंदर पूरी हैं, और ये एक नेगेटिव की है और एक पॉजिटिव की, जो फाइनल टर्मिनेशन है नेगेटिव पॉजिटिव का उसके लिए है। और ये एक जो बैटरी है इसके फ्रंट पे एक इंडिकेटर होता है बैटरी स्टेटस को चेक करने के लिए कि कितनी बैटरी रिमेनिंग है, चार इसमें हैं 25, 50, 75, 100। ये इसका लॉक करेंगे, ब्रैकेट है, स्प्रिंग है जो ब्रैकेट के नीचे लगता है, इसमें 8+2, 10 स्क्रूज इसमें आपको मिलेंगे, और एक ये बैटरी को स्टेटस के लिए छोटा सा ब्रैकेट है जो कनेक्ट करता है बैटरी को और बैटरी इंडिकेटर को। ये एक अलग से हमने इंसुलेशन लिया है जो इस किट का पार्ट नहीं है, और ये बैटरी इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन के जो रिंग हैं ये बेसिकली हमने अलग से मंगाया है जो इसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देते हैं। इसके ये पॉजिटिव टर्मिनल पे लगाए जाते हैं क्योंकि इसका जो पॉजिटिव जो टर्मिनल होता है वो आप देख पा रहे हैं कि जो बीच में है और जो साइड में है, बीच वाला इसमें पॉजिटिव है और साइड वाला नेगेटिव है, इसमें डिस्टेंस काफ़ी कम होता है, प्लस इसके ऊपर जो ये रैपिंग की हुई है सेल्स के ऊपर स्लीव लगाई हुई है, इस स्लीव से ही इसका इंसुलेशन होता है। अगर हम स्लीव के ऊपर फर्दर ये स्टिकर लगा देते हैं तो इसका इंसुलेशन थोड़ा सा मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग हो जाता है और थोड़ा इलेक्ट्रिकली भी स्ट्रॉन्ग होता है, बट यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना कि मैकेनिकल, क्योंकि इसको वेल्ड करते हुए या इसको बनाते हुए ज़रा सा भी इस पर स्क्रू ड्राइवर या स्पॉट वेल्डर के इलेक्ट्रोड या कोई भी मैकेनिकल इस पर टूल हिट करता है तो ये वहाँ से इंसुलेशन ब्रेक हो जाता है। और ये दोनों बैटरी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों टर्मिनल बैटरी के ये आपस में शॉर्ट हो जाते हैं, जिससे कि ये जो सेल है ये ख़राब होने का डैमेज होने का
खतरा बना रहता है, तो एक थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए ये जितने भी पॉजिटिव टर्मिनल हैं सभी सेल्स के लिए उसको हम लगाएंगे, और लगाने के बाद प्रेस को उल्टा करके थोड़ा सा हम प्रेस इसलिए करते हैं ताकि ये अपनी जगह पे स्टिक हो जाए और सिमिलर वे में स्टिक हो जाए। ये कुछ और हैं जो हम इस पे लगा रहे हैं स्टिकर, केवल एक रिंग टाइप है क्योंकि रिंग के अंदर जो आएगा वो पॉजिटिव होगा और जिसके ऊपर ये रिंग आता है वो नेगेटिव पोर्शन है। एक एक्स्ट्रा मैकेनिकल इंसुलेशन के लिए हम लोग इसे यूज़ करते हैं। ये केस दिया हुआ है कनेक्टर का केस, जिसके अंदर हम सेल डालेंगे और आप देख पा रहे हो तो इसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव सभी जगह से मार्क है कि किस सेल को किस तरह से हमने लगाना है इसके अंदर बैटरी। प्लस ऊपर वाले सेल पे भी इसका मार्किंग है, एक एक सेल को हम नीचे अकॉर्डिंग टू प्रिंट इंस्ट्रक्शंस हम इंसर्ट करेंगे। इसमें तीन सेल पैरेलल होंगे तो हम तीनों सेल को पहले जो नेगेटिव पोर्शन है उससे कनेक्ट करेंगे, फिर फर्दर तीन सेल इसमें जो है वो सीरीज़ में जुड़ेंगे, तो उन तीन सेलों को आपस में कनेक्ट करके इसके साथ हम सीरीज़ कम्बिनेशन बनाएंगे। उसके बाद फर्दर हम नेगेटिव कम्बिनेशन बनाएंगे तीन सेलों का। ये तीन सेल इसमें पैरेलल हैं तो 26 AH इंटू 3 यानी 7.8 AH का एक इसमें सेल बनता है, और पांच सेल सीरीज में होने चाहिए। ये देखिए हमने चार बना दिए हैं, एक और डालेंगे तो इसमें पॉजिटिव वाला हमारा नीचे की साइड में रहेगा और ऊपर हमारा नेगेटिव वाला आ गया है। तो इसको अगर आप जब इसको मैच कराएंगे ऊपर वाले होस्टर को तो आप देखेंगे कि पॉजिटिव नेगेटिव अपना सही से मैच हो गया है, और इस होस्टर को लगाने के बाद चार स्क्रू की हमें ज़रूरत पड़ेगी जिससे कि अपनी जगह पे फिक्स हो जाएगा और ये आपस में इंटैक्ट हो जाएंगे दोनों, जो ऊपर नीचे हम कवर लगा चुके हैं। ज़्यादा कवर आपस में टाइट ना हो इसके लिए ये बीच में इन्होंने एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दिया हुआ है, और प्लस उसी प्रोटेक्शन के ऊपर हम लोग स्प्रिंग वगैरह बनाएंगे। ये आप देख सकते हैं ये सारे सेल इसमें अच्छे से फिट हो गए हैं और कहीं से भी ऐसा कोई लूज कंटेंट हमें नहीं दिखाई दे रहा है कि जहाँ से कुछ लूज कंटेंट हो। इसमें ये चार स्क्रूज आएंगे और ये चारों स्क्रूज जो हैं वो टॉर्क्स टाइप हैं। इसका जो हेड है वो टॉर्क्स है, T10 नंबर के इसका स्क्रू ड्राइवर इसमें यूज़ होगा इसको लगाने के लिए। तो ये जितने भी इंडिया से बाहर के स्क्रूज आते हैं फिलिप्स काफ़ी कम यूज़ होता है और टॉर्क्स यानी कि T10 T20 ये मैक्सिमम यूज़ होता है, इंटरनेशनली ये जाना जाता है, और अगर आप US से भी मंगाते हैं तो उसमें भी टॉर्क्स के जो है काफ़ी रेंज इस्तेमाल होती है। इंडिया में इसे स्टार भी कहा जाता है। और हम एक एक करके इन चारों स्क्रू को टाइट करेंगे जिससे कि जो सेल्स हैं इसके आपस में कंबाइंड होके अपनी एक पोजीशन पे ये रुक जाएं। इसके बाद हम ये जो प्लेट्स हैं इसकी हम फर्दर इस पे स्पॉट वेल्डिंग करेंगे, क्योंकि स्पॉट वेल्डिंग करने से पहले ये इंश्योर हमें करना पड़ेगा कि सारे जो सेल्स हैं अपनी जगह इंटैक्ट हैं, हिलने नहीं चाहिए, नहीं तो वो डिफॉर्मेशन बैटरी में आ जाएगी और ये कवर में नहीं घुस पाएंगे जो इसको एक्चुअल सेल है। इसके होल्स्टर को इसके बाद हमने इसके सेल्स में भी स्टोर करना है PCB लगा के, तो वो ध्यान भी हमें रखना होगा। ये सारे सेल्स हमने डाल दिए हैं, ये ऊपर टॉप साइड पे हम PCB इसका लगाएंगे। तो PCB लगाने के बाद ये इसका नेगेटिव पॉजिटिव जो टर्मिनेशन है जो हमने नीचे बनाया है सीरीज़ और पैरेलल में वो आके इसका यहाँ पे लगेगा। ये एक पॉइंट ये है, दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, और फाइनली ये जो एंड के पॉइंट हैं बड़े वाले ये मेन पॉइंट है। TP0 से इन्हें इंडिकेट कर रखा है यहाँ पे। अब आप ये देख सकते हैं कि ये प्लेट इस पे लगाएंगे हम चेक करने के लिए,
जहाँ पे नेगेटिव है वहाँ पे नेगेटिव, लेकिन इस प्लेट को अगर हम पलट के लगाते हैं तो ये काफ़ी अच्छे से फिट हो जाता है, और इसीलिए इसी पर्पज़ के लिए इसे डिज़ाइन किया गया है। और इसका जो एक एंड है वो ऊपर डायरेक्टली पीसीबी में चला जाएगा और उसको हम बाद में सोल्ड कर लेंगे। तो पहले ये सारे इसकी जो कंबाइन करने के लिए सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशंस के लिए है, ये हमारे पास स्पॉट वेल्डर है, जो जब मैं चाइना गया था विज़िट के लिए तो वहाँ से मैं परचेस करके ले आया था, जो कि सारा प्रोग्रामेबल है। ये प्रोफेशनल वेल्डर है, इसमें आप देख पा रहे हो तो इसमें दिख रहा है 70-80 एम्पियर। हम ये सेकंड कर्व के लिए इसका रेटिंग एम्पियर रेटिंग है 86, क्योंकि ये जो प्लेट है पीसीबी है इसके साथ में आया है कनेक्टर, ये करीब 0.78 या 0.8 mm का इसमें इसकी थिकनेस है, जिसके लिए 80 एम्पियर जो है 86 एम्पियर करंट हमें मैंडेटरी रखा हुआ है। पहले कर्व में इसे 30 एम्पियर करंट देंगे और दूसरे कर्व में इसे 86 एम्पियर देंगे। ये हमने एक बार स्पॉट वेल्ड किया है, ये पैडल ऑपरेटेड मशीन है, नीचे फुट पैडल इसका दिया गया है। जब आप इसको प्रेस करते हैं तो ये दोनों इलेक्ट्रोड इसे एक जिस फोर्स से आप ये इसको प्रेस कर रहे हैं वो ऊपर से आप अभी दिखाएंगे कि हम प्रोग्राम कर सकते हैं उसको। और आप ये देख पा रहे हैं कि बहुत अच्छे से ये स्पॉट वेल्ड हो गया है, बड़ा नीट एंड क्लीन हमें इसका रिजल्ट मिला है। और ये सेकंड हम लोग इससे स्पॉट वेल्ड करेंगे, तीन तीन बार। हम वैसे तो एक बार ही काफ़ी है, लेकिन प्रिकॉशन के तौर पे कुछ लोग दो करते हैं। हमारे पास स्पेस अवेलेबल है और ये प्रोडक्शन का काम नहीं है, एज ए सैम्पल वीडियो हम बना रहे हैं, तो हमने तीन तीन बार इसे स्पॉट वेल्ड किया है, जिससे कि अगर कोई एक स्पॉट वेल्ड हमारा ठीक से नहीं हुआ है तो बाकी दो उसको टेक केयर कर लें। ये हमारा HC2118 कंपनी का स्पॉट वेल्डर है, जो कि कम्प्लीटली प्रोग्रामेबल है, आप इसे एक एक चीज़ प्रोग्राम कर सकते हैं। और हम इसे इलेक्ट्रोड से हम कितनी इस पर फोर्स लगा रहे हैं, अगर आप देखेंगे वीडियो में तो थोड़ा आपको ये कई बार चिपकता हुआ लगेगा। ये जब आप हैवी करंट पे इसको आप स्पॉट वेल्ड करते हैं तो ये ऐसा अक्सर होता है कि हल्का सा ये चिपक जाता है इलेक्ट्रोड के साथ में। इसका वेरी शॉर्ट टाइम के लिए करंट फ्लो होता है इसमें 83 एम्पियर, और वो जो शॉर्ट टाइम है उसको हम दो ग्राफ के जरिए से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। पहले जो करंट फ्लो होगा वो उसको कॉन्टैक्ट को बना के रखेगा 30 एम्पियर का, और जो दोबारा जो उसमें ग्राफ आएगा वो उसको 80 एम्पियर करंट पे वो पर्टिकुलर स्पॉट वेल्ड करता है। दो तरह के इसमें स्टेजेस होती हैं, फर्स्ट स्टेज पे वो उसको पकड़ करेगा और सेकंड स्टेज पे उसको वो वेल्ड करेगा। इसमें जो फोर्स है हम यहाँ से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, इसमें कितने फोर्स, कितना न्यूटन मीटर से हम आप इसको कितने किलो फोर्स इस पर हम डाल सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा अगर फोर्स इस पर डाल दिया तो ये बेंड भी हो जाता है नीचे से सेल्स। बेंड होने का मतलब है कि आप इस पर जो प्लेट लगा रहे हैं पैरेलल वो उस पर ठीक से वेल्ड नहीं हो पाती। ये देखिए कितना नीट एंड क्लीन इसमें जो है स्पॉट वेल्ड हो गया है। और इसी तरीके से हम सारे इसमें चार प्लेटें करेंगे और एंड में इसमें जो एक पॉजिटिव है और नेगेटिव वाली है वो प्लेट इसमें स्पॉट वेल्ड करेंगे। तो ये सेकंड इसमें प्लेट हैं, दो एक साइड में लगेंगी इसमें और दो प्लेट इसमें दूसरी साइड पर लगेंगी। ये हमने सारा स्पॉट वेल्ड कर लिया है और अब इसको हम, क्योंकि स्पॉट वेल्डिंग के दौरान थोड़ा स्मोक वगैरह निकलता है, कुछ कार्बन भी हो सकता है, तो हमने इसको एसीटोन से इसको पूरा अच्छे से साफ़ कर दिया है, ये चेक करने के लिए कि सारे स्पॉट इसके क्लियर हैं, कोई स्पॉट वेल्डिंग हमारी ख़राब नहीं है, किसी तरह की कोई डीप फॉर्मेशन नहीं है। अब हम इसके ऊपर पीसीबी इसको लगाएंगे, इससे पहले हम इसकी वोल्टेज चेक कर लेते हैं। ये हमने इसको एंड टू एंड चेक करेंगे तो फुल वोल्टेज मिलेगा, और ये दो सीरीज़ का कम्बिनेशन है, इसको हम एक सिंगल सीरीज से चेक करते हैं। ये इसका सिंगल सेल है, 3.5 वोल्टेज है, दो अगर चेक करें सीरीज़ में तो 7.14 है, और ये शायद चार का है, ये तीन का है 10.71,
और ये चार इसके सेल्स पैरेलल में है 14.28 17.85, ये इसका फाइनल वोल्टेज है पांच सेल्स का, यानी 3.5 × 5 नंबर ऑफ सेल्स इन सीरीज यू विल गेट 17.85 वोल्टेज डीसी, जो कि सारे सीरीज में कनेक्ट ठीक से हो गए हैं। अब ये इसका एक बड़ा क्रिटिकल पार्ट है इस प्रोसेस का, जब आप पीसीबी को इसके ऊपर लगाते हैं तो जैसे ही इस पीसीबी को इसके ऊपर लगाते हैं ये पूरा पीसीबी जो है वो लाइव हो जाता है, और आपको बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि लाइव पीसीबी को कहीं आपने स्क्रू ड्राइवर से या कहीं पे कुछ टच कर दिया तो इसमें बर्निंग की शिकायत बहुत आती है, क्योंकि इसके अंदर भी एक सीपीयू होता है, वो बहुत जल्दी उड़ सकता है। तो इसको बड़े आराम के साथ आप इस पे रखेंगे और आप इसको चार स्क्रू से पहले माउंट कर लीजिए, क्योंकि मैंने तो ये अभी माउंट नहीं किया था, मेरा तरीका थोड़ा अलग है, क्योंकि मैं पीसीबी को दबा के बिल्कुल एंड से इसको जो है सोल्ड करना चाहता हूँ, तो इंडिविजुअली मैं पीसीबी को दबा दबा के और सारे टर्मिनेशन को पहले सोल्ड करूँगा, उसके बाद में मैं स्क्रू लगाऊँगा इसके। ये आप देख रहे हैं कि जो बीच में सीरीज़ में जो ये स्क्रूज लगाते हैं, सीरीज़ में जो ये टर्मिनेशन हम लोग कर रहे हैं, ये सेल बैलेंसिंग के काम में आते हैं कि पर्टिकुलर एक सेल की जो सीरीज़ में पांच सेल हैं सबकी वोल्टेज इक्वली हो, अगर किसी की ज़्यादा होती है तो उसे हम डिस्चार्ज करा के उसको बैलेंस कर सकते हैं। कुछ पीसीबी आती हैं इसकी एक आधी बनी हुई होती हैं, वो बैलेंसिंग उसमें शायद नहीं होता है, तो ये जो पीसीबी है इसमें आई थिंक के पूरा बैलेंस करने का भी ऑप्शन मौजूद है, जैसा कि आपकी जेन्युइन जो मकीता की बैटरी है उसमें अवेलेबल होता है। ये हमारा फाइनल टर्मिनल है जिसे हम सोल्ड कर रहे हैं, और एक साइड के हमारे सारे टर्मिनल सोल्ड हो गए हैं, और सोल्ड करने के लिए मैं एक हमारे पास जो है वेलर का सोल्डिंग स्टेशन है, काफ़ी लंबे टाइम से मौजूद है, 425 डिग्री सेल्सियस पे इसको मैं हीट करके उससे सोल्ड कर रहा हूँ। पॉइंटेड टिप है और बड़े प्यार से ये सोल्ड हो रहा है, एक अच्छा गुड क्वालिटी का आप सोल्डर यूज़ कर सकते हैं, फिर भी रिकमेंड मैं कहूँगा कि आप साथ में इसका फ्लक्स का यूज़ ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इसकी से जो सोल्डिंग है उसमें इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है काफ़ी कम हो जाता है। अब आप ये स्क्रू तो शायद पहले ही लगा लें, मैं इसमें अभी स्क्रू डाल रहा हूँ, चार स्क्रू हैं जो पीसीबी को होल्ड कराने के लिए हैं, और ये फिलिप्स हेड हैं, चार स्क्रू नहीं हैं, ये दो स्क्रू हैं, दो स्क्रू आप क्रॉस में लगाएंगे और बाकी दो जगह पे आप इसका पिवट प्लास्टिक का निकला हुआ है वो फंस जाएगा, तो दो स्क्रू काफ़ी हैं इसमें पीसीबी के लिए। ये आपका दूसरा पीसीबी जो साथ जुड़ा हुआ है, इस पर स्विच लगा हुआ है जिससे कि आप इसकी रिमेनिंग कैपेसिटी को चेक कर सकते हैं इसको दबाने के बाद, और इसका जो डिस्प्ले है वो शेल के ऊपर आपको मिलेगा, और शेल और जो एलईडी है जो ऊपर की टॉप पीसीबी पे लगी हुई है इसको आपस में कनेक्ट करने के लिए एक कनेक्टर वाइट कलर का आपको अलग से मिला है, क्योंकि अगर आप वो कनेक्टर नहीं लगाएंगे तो इसकी जो बैटरी का जो ग्लो है वो आपको बाहर से देखने में लगेगा कि चारों एलईडी एक साथ जल रही हैं, तो इंडिविजुअल कौन सी एलईडी का उसका डिस्टेंस होने की वजह से हमें एक वो बीच में जॉइंटर लगाना पड़ता है प्लास्टिक का जो लाइट को फैलने नहीं देता, और आपको क्लियरली पता लगता है सामने से कि कौन सी एलईडी आपकी ग्लो कर रही है, क्योंकि इसमें करीब करीब देखा जाए तो 8 से 10 mm इसमें गैप है जिसके अंदर वो लगाएंगे। हम इसको चेक कर रहे हैं, पीसीबी ऑन है, और देखिए दो एलईडी जो हैं इसकी मेन पीसीबी पे वो ग्लो कर रही हैं, और कुछ टाइम बाद ये ग्लो आपका बंद हो जाता है। फर्दर हम बटन दबाएंगे तो 5 से 10 सेकंड तक ये एलईडी ग्लो करेंगी आपको दिखाने के लिए कि अब ये दो इंडिकेशन इसलिए हैं क्योंकि ये जो सेल्स हैं ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे ज़रूरी होता है, मैंडेटरी होता है कि ये 50% तक चार्ज हों और 50% डिस्चार्ज हों, तो इसीलिए आपको जो है वोल्टेज 3.5 है, इसको लगाने के बाद हम लोग पूरा चार्ज करेंगे। ये आपके जो होल्स्टर हैं ये हमने पीसीबी शेल के अंदर जो केसिंग का शेल है उसके अंदर डाल दिया है, और ये आपका स्प्रिंग है जिसके ऊपर एक लॉक इसके ऊपर बैठाया जाएगा जो कि बैटरी को लॉक करता है टूल में स्लाइड इन करने के बाद में।
ये इसका लॉक है और नीचे स्प्रिंग है, तो कुछ लोग इसको केस में डालने के बाद में स्प्रिंग लगाते हैं और कुछ लोग पहले ही स्प्रिंग के ऊपर इस लॉक को बैठा देते हैं। ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस हो सकती है, जैसा आपको कन्वीनियंट लगे आप जैसा कर सकते हैं। और ये लॉक इसके ऊपर बैठ गया है और ये जो टॉप इसका है कवर, वो हमने इसको लगा दिया है शेल का टॉप कवर। अब ये फर्दर जो है इसके चार स्क्रूज हैं, ये भी टॉर्क्स 10 नंबर के हैं, यानी कि T10 नंबर के स्क्रू ड्राइवर से आप इन चारों को टाइट कर सकते हैं। जो ऊपर का जो शेल कवर है और नीचे का जो बॉडी है, इन दोनों को ये आपस में जोड़ने के काम में आएगा, क्योंकि ये भी बहुत मैंडेटरी है, क्योंकि सारा जो वेट है बैटरी का, क्योंकि ये बैटरी का वेट काफ़ी हो जाता है, तो ये सारा का सारा डिपेंड करता है कि आप जो स्क्रू लगा रहे हैं वो पूरे टाइट हैं या नहीं। क्योंकि अगर स्क्रू ढीला रह जाता है तो इसमें अंदर मॉइस्चर जो है वो काफ़ी जम जाएगा साइड में से लीक होके, और कुछ भी जो वाटर वगैरह है, या अगर आप बाहर साइड पे काम कर रहे हैं तो रेन का जो वाटर है वो इसके अंदर जा सकता है। तो डस्ट वगैरह भी काफ़ी जाता है। अब इसके जो स्टिकर हैं वो लगाने के लिए हम इसे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल की मदद से इसको पूरा अच्छी तरह से रब करके साफ करेंगे, जिससे कि कोई भी इसमें डस्ट पार्टिकल या ऑयल पार्टिकल या ग्रीजीनेस जितना भी है वो साफ़ हो जाए। क्योंकि अगर वो ज़रा सा भी इस पर ऑयल वगैरह रहेगा तो जो स्टिकर है इसका ग्लू ठीक से काम नहीं कर पाता उस पर, और ये कुछ टाइम के बाद उतर जाएंगे। तो इसको बड़ा प्रसाइजली लगाना जो है बहुत ज़रूरी होता है, और इसको आप पहले लेफ़्ट से अलाइन कर लें। थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पे हो रही है इसको लगाने के लिए, क्योंकि थोड़ा हल्का सा ये आई थिंक ओवर साइज़ है, लेकिन इतना जो ओवर साइज़ है ये बहुत मिनिमल है। आप इसको दोबारा तिबारा ट्राई कर सकते हैं लगाने के लिए, और अगर आप देखेंगे तो ये बहुत अच्छे से इस पर अब बैठ गया है। और ये लगाने के बाद जो है सबसे इम्पॉर्टेंट जो स्टेप होता है वो आप होता है कि कोई भी एक स्क्वीजी टूल लेके आप इसको उसके ऊपर रब करें, क्योंकि जो सरफेस होता है और जो स्टिकर का सरफेस है दोनों के बीच में जो है ना एयर बबल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर एयर बबल अगर क्रिएट होता है तो ओवर द पीरियड वो उसको फैलता चला जाता है और फाइनली स्टिकर उतर सकता है। तो हम ये इंश्योर करेंगे किसी भी स्क्वीजी टूल की मदद से कि वो बहुत अच्छे से जो है उसके बीच में कोई बबल ना रहे, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट स्टिकर जो है वो हमें यही है जो बैटरी की स्टेट को दिखाता है। इसको प्रेस करने पे देखिए ये फर्दर हमें बड़ा क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि इसमें दो LED जल रही हैं और बाकी दो बिल्कुल ब्लैंक हैं, इसका मतलब इसमें रोशनी फैल नहीं रही है। अब ये बैक का स्टिकर हम लगाएंगे, अगर आप देखेंगे इसको तो इसमें कट लगा हुआ है, इस कट से हमने इसको अलाइन करना है स्टिकर को पहले, और इसको बैटरी को सरफेस को हम क्लीन कर लेंगे फर्दर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल की मदद से। पूरा हम डीग्रीजिंग कर लेंगे सरफेस को जिस पे हमें स्टिकर लगाना है। बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है ये, कुछ लोग इसको परवाह नहीं करते हैं, लेकिन कभी भी स्टिकर लगाना हो तो ये मस्ट होना चाहिए कि आपको। अब इसको हम अलाइन करेंगे कट की हेल्प से, थोड़ा सा इसको अलाइन करने के बाद में थोड़ा स्टिकर इसका एक कॉर्नर उसका निकालेंगे, फोल्ड करेंगे और लेफ़्ट साइड से हम उसको अलाइन करना शुरू करेंगे। आप जैसा चाहे उतना टाइम ले सकते हैं इसको लेफ़्ट राइट बैक फ्रंट साइड से इसको स्टेप इन करने के लिए। अब ये अलाइन हो गया है तो उसको थोड़ा स्क्वीज करेंगे, अब दूसरे स्क्वीजी टूल की हेल्प से इसको हम पूरी तरह से पेस्ट कर देंगे, और धीरे धीरे पेस्ट करेंगे। ये इंश्योर करेंगे इसमें कोई एयर बबल नहीं रहना चाहिए। अगर ये स्टिकर की लॉन्ग लाइफ आपको चाहिए तो बिना किसी बबल के बिल्कुल फ्लैटली ये पेस्ट होना चाहिए। अब ये दो साइड के स्टिकर हैं, ऑब्वियसली इस पर मकीता मेंशन नहीं है, क्योंकि ये मकीता की जेन्युइन बैटरी सेल्स नहीं है, इसलिए इस पर मकीता मेंशन नहीं है, लेकिन जैसा मैंने पहले बताया ये मकीता से भी कम नहीं है।
तो ये जो स्टिकर है इस पे 9H लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको पहले बता चुका हूँ इसमें 26AH इंटू 3 नंबर्स यानी कि 7.8AH की इसकी एक्चुअल कैपेसिटी है। आप 8AH इसको कंसीडर कर सकते हैं। ये इसका सेंटर हम निकाल के इसको अलाइन करेंगे और उसके बाद स्क्वीजी टूल की हेल्प से इसको पूरा स्टिकर हम इस पे लगा सकते हैं। ये साइड से हमने लगाया, दूसरी साइड से लगाया और अब ऑलमोस्ट हमारी बैटरी जो है वो रेडी है वर्क करने के लिए। अब हम इसको टूल पे लगा के या चार्जर पे लगा के चेक करेंगे कि ये काम कर रही है या नहीं काम करती है। होपफुली ये काम करना चाहिए। कैपेसिटी इसकी हम चेक करें तो अभी भी इसकी 50% इसकी चार्जिंग है इसके अंदर। तो पहले हम इसको टूल पे लगा के चेक करते हैं। ये मेरे पास मकीता की ड्रिल है DHP 484। इसको भी 2-3 साल हो गए हैं। ये LXT के लिए है, तो इंश्योर करें कि LXT टूल के साथ ही आप इसको यूज़ करें। XGT टूल के साथ ये नहीं चलेगा। आप देख रहे हैं कि इसमें अभी भी 50% है और काफ़ी बल्कि ये बैटरी हो गई है, लेकिन इससे ज़्यादा फर्क नहीं लगेगा। आप देख सकते हैं कि ये कितनी अच्छी तरह से वर्क कर रहा है और इसका टॉर्क भी मुझे लगता है कि ज़्यादा मिलेगा ज़्यादा पावर की बैटरी यूज़ करने पे। बहुत अच्छे से ये ओरिजिनल टूल के साथ ओरिजिनल चार्जर के साथ वर्क कर रहा है। अब चार्जिंग पे इसको हम देखेंगे, जैसी बैटरी लगाएंगे बीप के साथ ये चार्जिंग ऑन होना चाहिए इसका। और ये देखिए ये ऑन हो गया है चार्जिंग इसका। ये इसका ओरिजिनल बैटरी चार्जर है जो कि बहुत अच्छे से ये कंपैटिबल है ओरिजिनल चार्जर के ओरिजिनल टूल के। और ये मकीता 5 एम्पेयर की बैटरी से डेफिनेटली ज़्यादा चलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।